इंदौर में लगातार चैन स्नैचिंग की वारदात बढ़ती जा रही है। पिछले 5 दिनों में 5वीं चैन स्नैचिंग की घटना सामने आई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का है। यहां पर अशोक नगर की रहने वाली 60 वर्षीय महिला सुशीला दलाल सोमानी नगर स्थित गली से गुजर रही थी। उस दौरान दो अज्ञात बदमाशों ने उनके गले से सोने का मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। लूट की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल ये कल शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास का घटनाक्रम है, जिसमें सोमानी नगर के पास की गली में एक 60 वर्षीय महिला उस गली से होकर के जा रही थी और उसी समय दो अज्ञात युवक जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थी, उनके द्वारा उनके मंगलसूत्र को झपट लिया गया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना पर अपराध पंजीबद्ध हुआ है। अभी दो अज्ञात आरोपी, इनकी पहचान तो नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ फुटेज पुलिस को उपलब्ध हुए हैं, जिसमें यह स्पष्ट हो रहा है कि वो मास्क लगाए हुए थे। एक आरोपी कैप भी पहने हुए था। इस पर पुलिस अभी काम कर रही है। कुछ और फैक्ट अभी हम जुटा रहे हैं, क्योंकि इस घटना की रिपोर्ट रात में हुई है, उसके कारण से कुछ और फुटेज जहां हमें उम्मीद है कि मिलेंगे, वो रात में हमको उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। आज हमें उम्मीद है कि इस पर हम कुछ ठोस साक्ष्य का संकलन कर सकेंगे। सर, कोई और भी जगह इसके साथ में इन्होंने अंजाम दिया या कोई और परिणाम दिया घटना करने के बाद? ऐसा पता पड़ा है कि इसी तरह की वारदातें अन्य क्षेत्रों में भी पूर्व में हुई हैं। इस संबंध में हम शेयर कर रहे हैं अपनी घटना को, अन्य थानों को भी शेयर किया जा रहा है, जिससे कि यदि कोई ऐसी वारदातें पूर्व में इसी प्रकार की या इन्हीं आरोपियों के द्वारा यदि की गई हैं, तो वो भी हम जानकारी कलेक्ट करें, जिससे कि इन तक पहुंचना सुगम हो सके। इंदौर पुलिस द्वारा बदमाशों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई करने के बाद भी बदमाशों में पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं बदमाश। फिलहाल देखना होगा कि बुजुर्ग महिला से लूट करने वाले आरोपियों को पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है। खैर, मध्य प्रदेश के लिए इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।